अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, जे एन न्यूज़ एच डी के साथ मैं हूं नायला भट्टी। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बहावलपुर अरसलान सदीकी से रजिस्टर पुलिस ऑफिसर सादिक अली डॉगर की बहावलपुर रीजन के डीपीओ से मवेशी मंडियों ईदुल अज़हा के हवाले से मीटिंग। मीटिंग में डीपीओ रहीम यार खान, अख्तर फारूक, डीपीओ बहावल नगर फैसल गुलजार ने वजरिया वीडियो लिंक, जबकि डीपीओ बहावलपुर इबादत निसार ने आरपीओ ऑफिस को कॉन्फ्रेंस रूम से शिरकत की। आरपीओ ने दौरान मीटिंग डीपीओज को हदायत जारी करते हुए कहा कि ईदुल अज़हा पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएँ, रीजन भर में लगने वाले तमाम मवेशी मंडियों पर पुलिस की नफरी तैनात करें। चूँकि इन दिनों में ताजर हजरात और आम शहरी कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त के लिए भारी रकम लेकर आते हैं, जिनकी हिफाजत बहुत ज़रूरी है, इसलिए मवेशी मंडियों के करीब शाहराओं पर गश्त को भी बढ़ाएँ। ईद के मौके पर मंशियात फरोश, बिलखसूस शराब फरोशी में इजाफा हो जाता है और मंशियात का फरेब धंधा करने वाले जाली शराब की फरोख्त शुरू कर देते हैं, जिसके इस्तेमाल से इंसानी जान के ज़िया का भी अंदेशा पैदा हो जाता है। मंशियात फरोशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाते हुए इन्हें फौरी गिरफ्तार करें। तफरी मुकाम पर भी सिक्योरिटी का खास ख्याल रखा जाए और ईद के अयाम में तफरी मुकाम पर पुलिस ड्यूटी लगाएं। उन्होंने मजीद कहा कि अमन अमान का क्याम और अवाम के जानों माल की हिफाजत को यकीनी बनाए गए। कानूनी असलाह, हवाई फायरिंग, वन व्हीलिंग और हिलड़बाजी की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। ऐसे अनासर के खिलाफ फौरी FIR का अंदराज करें। तर्जुमान रेजिस्टर पुलिस बहावलपुर।